हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाटी चोखा हमारे यूपी स्टाइल से माकनी बाटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाटी चोखा। सबसे पहले हम चोखा स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े अलग मेथड है जो आपको हम आज बता रहे हैं। हमने बैगन ले लिया है, बैगन को ऐसे छील लिया है, उसके सारे ब्लैक पार्ट्स निकाल दिए हैं। और मैं बटाटा ली हूँ, इसको भी मैंने सलाइड स्लाइड में कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से इसको हम अच्छे से धुल लेंगे। और एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में एक टेबल स्पून ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में भी हमें ऐड करना है। तो इसके लिए सिर्फ एक टेबल स्पून ऑयल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसी स्टेज पे हमने जो भाजी धुली थी ना, बैंगन और बटाटा, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको पहले हाई फ्लेम में हम 5 मिनट तक ढक के रख देंगे, ताकि बैंगन और बटाटा भी हमारा पक जाए अच्छे से, देख रहे ऐसे। अब इसको हम ढक के रख देंगे। इसको हाई फ्लेम में ही रखना है, लो फ्लेम नहीं करना है, 5 मिनट। अब इसके बाद हम 2 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको हम कट कर लिए हैं, देख रहे हैं ना, 5 मिनट के बाद कैसे मेरी बैंगन एकदम गल गई है। अब इसी स्टेज पे हम बैंगन टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद लो फ्लेम में रखना है। उसके बाद अब देखिए, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। टमाटर भी गल गया, भाजी भी सब गल गई है। अब इसी स्टेज पे हम कोथमीर, धनिया की पत्ती इसमें ऐड करेंगे। ये भरता बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी। इसमें पहले बोला था ना, ऑयल कम डालना है, क्योंकि बाद में भी ऐड करना है। इसके लिए हमने राई का तेल ऐड किया है। अब इसमें मैंने लहसुन और मिर्ची, इसको आप मैंने ग्राइंड करके ऐड किया। आप चाहे तो बारीक कट करके या फिर कलबट्टे में कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे बैंगन का भरता रेडी हो गया है ना, इजी मेथड एकदम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माकुनी की बाटी कैसे बनती है। हमने चना लिया है, ये चना फ्राई है, मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से, देख रहे हैं ना। इसको ग्राइंड करने के बाद हम इसमें एकदम बारीक ग्राइंड करना है, अखा नहीं रहना है। इसको एकदम ऐसी इसी स्टेज पे बारीक ग्राइंड करना है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार इसमें। इसके बाद हम आम का अचार होता है वो ऐड करेंगे। ये आम का अचार है, आप कोई भी अचार ले सकते हैं। इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तेल आम के अचार में, जो भी अचार में ऑयल रहता है ना, वही ऑयल इसमें ऐड करना है। अब इसमें हम कांदा लिए है, कांदा 4 कांदा मैंने कट किया है बारीक। अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं, आप हरी मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका स्वाद इतना टेस्टी रहती है ना ये बाटी की, क्या बताऊँ मैं आपको, कसम से आप एक बार ट्राई करो, बहुत यम्मी बनती है। इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, ये कांदा मिर्ची नमक अचार इसमें ही मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देख रहे हैं ना, इस स्टेज पे इसको रखना है। अभी मैंने आटा गूंथ लिया है, अब इसको ऐसे भरना है, ऐसे स्टफिंग करना है इसको ऐसे। तेल हमारा गर्म है, अब उसमें हम ऐड कर देंगे। पहले हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है, नहीं तो पकेगा ही नहीं। अभी इसी स्टेज पे हम इसको लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम करने से हमारी बाटी अंदर तक पक जाएगी और कच्चा नहीं रहेगा। नहीं तो हाई फ्लेम में करेंगे तो बाटी रेड तो हो जाएगी गोल्डन, बट अंदर से कच्चा कच्चा बन जाएगा। इसके लिए पहले थोड़े हाई फ्लेम में पकाओ, फिर उसके बाद लो फ्लेम में। ये लो फ्लेम में ही रहेगा तो बाटी एकदम कड़क कड़क, स्पाइसी, क्रंची, एकदम मस्त वाली रहेगी, देख रहे हैं ना। इसी स्टेज पे हम इसको बाटी को निकाल लेंगे।
एकदम गोल्डन हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। ये हमारी इजी मेथड की बाटी चोखा रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।